हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज भिडियो रे हमें डिस्कस करबा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन जहाँकि आपणकर OSSS PEO जेल वार्डर आदि निहाती हेल्पफुल रहिबो। ओके, से भिडियोटी को स्टार्ट रु एंड पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ चैनल को नुआ आसीथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत हेल्पफुल रहिछि। ओके, You can add an image to a template by clicking the picture from dash। तो गोटे टेम्पलेट रे आमे इमेज ऐड करबा पई केउठार पिक्चर सिलेक्ट करबा। तो एठार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 3 इंसर्ट। ओके, तो इंसर्ट टैब रे पिक्चर को क्लिक करी आमे इमेज टी ऐड करि परिबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तेरे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रे क्यों ऑप्शन टी नहीं। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो पेज ब्रेक प्रीव्यू। ओके, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू जहाँ कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रे नहीं, किंतु मार्जिन पेज ओरिएंटेशन एवं हेडर एवं फुटर जहाँ कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रे रहिछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ओपन द सर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सर्ट फ्रॉम डैश। तो सर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करबा पई हमें क्योंठारू सर्ट को चूज करि परिबा। तो एठार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन डी डाटा। ओके, तो डाटा रू हमें सर्ट डायलॉग बॉक्स टी ओपन करि परिबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक्स कैन बी डैश। तो हाइपरलिंक गोटे कौन। तो यह अच्छे गोटे टेक्स्ट पिक्चर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबोव। तो हाइपरलिंक गोटे टेक्स्ट मध्ये होय पारे, पिक्चर्स मध्ये होय पारे, किंबा गोटे ड्राइंग ऑब्जेक्ट मध्ये होय पारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंडेड अंडर डैश टैब। तबे न्यू कमेंट ऑप्शन टी क्यों टैब रे हमें पाई परिबा। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 रिव्यू। ओके, तो रिव्यू टैब रे न्यू कमेंट रो ऑप्शन टी रही थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपेयर इन डैश। तो डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू क्यों ठारे रही थाए। तो यह रही थाए राइट एलाइन। ओके, तो ऑप्शन 2 हो जिवो यार करेक्ट आंसर, जहाँ कि नंबर रा राइट साइड रे रही थाए एवं अन्य लेटर बा टेक्स्ट जहाँ कि लेफ्ट साइड रे रही थाए। ओके, तो न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ कि राइट एलाइन रे रही थाए। ओके, और लेफ्ट एलाइन रे जहाँ कि टेक्स्ट रही थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैक्सिमम हाउ मेनी सीट कैन बी सेट एज ए डिफॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। तो गोटे न्यू वर्कबुक क्रिएट करबा समय रे हमें केतटी सीट ऐड करि परिबा जहाँ कि बाय डिफॉल्ट। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 2 255। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस ए डाटा within sheet dash। तो गोटे डाटा को रिप्लेस करिवार शॉर्टकट की कोटा। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 2 Ctrl+H। ओके, तो Ctrl+H माध्यम रे हमें रिप्लेस करि परिबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल्स एड्रेस इन द डैश। तो करंट सेल रो एड्रेस टी एक्सेल रो क्यों ठारे डिस्प्ले होई थाए। तो करंट सेल रो एड्रेस टी डिस्प्लेस होई थाए नेम बॉक्स रे। ओके, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 3। ओके, तो सेल एड्रेस टी नेम बॉक्स रे डिस्प्ले होई थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बॉक्स डैश। तो नेम बॉक्स टी कौन। क्योंठारे रही थाए तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 1 एपेज टू द लेफ्ट ऑफ द नम फॉर्मूला बार। ओके तो फॉर्मूला बार रो लेफ्ट साइड रे रही थाए नेम बॉक्स। ओके आउ ए नेम बॉक्स जो थी कि सेल एड्रेस टी डिस्प्ले होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2019। तो 2019 एक्सेल रे मैक्सिमम केतोटी रो रही गोटे वर्कशीट रे मैक्सिमम केतोटी रो रही परिबो। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन एक्सेल 2019। तो गोटे वर्कशीट रे मैक्सिमम केतोटी कॉलम रही परिबो ताकि एक्सेल 2019 रे। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन बी 16,384। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी डी टाइप इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। तो गोटे सिंगल सेल रे मैक्सिमम केतोटी कैरेक्टर व टेक्स्ट हमें टाइप करि परिबा। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी। ओके तो 32,767 टी कैरेक्टर हमें गोटे सेल रे टाइप करि परिबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय डैश। तो गोटे सेल को आमे किपरि एक्टिवेट करि परिबा। तो ऑप्शन 1 रे देछि क्लिकिंग द सेल। तो सेल को क्लिक करि आमे गोटे सेल को एक्टिवेट करि परिबा। तापर प्रेसिंग द टैब की। तो टैब की को प्रेस करि मध्य गोटे सेल को एक्टिवेट करा जाय परिबो। आ तापर रहछि प्रेसिंग एन एरो की। तो एरो की को मध्य प्रेस करि गोटे सेल को एक्टिवेट करा जाय परिबो। ओके तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए वर्कशीट। तो गोटे वर्कशीट को क्रिएट करिवारो कोटा गोटे बेसिक स्टेप नुहे। तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो कॉपी द वर्कशीट। ओके तो ऑप्शन 4 होठार करेक्ट आंसर। ओके तो कॉपी द वर्कशीट मध्यम आम यह हूँ गोटे बेसिक स्टेप जहाँकि गोटे वर्कशीट क्रिएट कर बेसिक स्टेप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा कैन बी अरेंज इन ए वर्कशीट इन ए इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग डैश। तो गोटे डाटा को किपरि अरेंज करा जाय परबो जहाँकि इजी टू अंडरस्टैंड मैनर रे। ओके तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव। ओके तो ऑटो फॉर्मेटिंग अप्लाइंग स्टाइल एवं चेंजिंग फॉन्ट तो यह माध्यम रे हमें करि परिबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एंटर द डाटा इन ए सेल। तो गोटे सेल रे डाटा एंटर करिवारो केउटा गोटे मेथड नुहे। तो यार करेक्ट आंसर टी हो प्रेसिंग द एस्केप की। ओके तो ऑप्शन 1 हो करेक्ट आंसर। ओके तो एस्केप की को प्रेस करी हमें गोटे डाटा को पुट करी परिबा नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इनफॉरमेशन डैश। तो निम्नलिखित तो केउटा कट करबा पई यूज करा जाय नहीं। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 1 प्रेसिंग द कंट्रोल+C। ओके कारण कंट्रोल+C को प्रेस करी हमें कॉपी करी था कट नुहे कि। ओके किंतु प्रेसिंग द कंट्रोल+X माध्यम रे कट करा जाय परबो। तपर क्लिकिंग द कट बटन ऑन द होम टैब। तो होम टैब रे थिबा कट बटन को क्लिक करी मध्य कट करा जाय परिबो एवं सिलेक्टिंग द कट फ्रॉम क्विक एक्सेल टूल बार। तो क्विक एक्सेल टूल बार रे थिबा कट आमे कट कर ओके किंतु प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस सी मध्यम कट कर नहीं ओके तो यह मध्यम जहाँकि कॉपी करा जाए तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 1 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट द वर्कबुक बाय डैश तो गोटे वर्कबुक को आम किपरि सेव एवं प्रोटेक्ट कर तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 4 एनी ऑफ द एबव तो एमानक मध्यरु जेकोसी मध्यम आम गोटे वर्कबुक को सेव एवं प्रोटेक्ट कर ओके तो प्रोटेक्शन पासवर्ड तापर रीड ओनली रिकमेंडेड एवं राइट रिजर्वेशन पासवर्ड तो ये तीनोटी मेथड जेकोसी मेथड मध्यम यह कर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट ए वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड तो क्यों कहा मध्यम आम मॉडिफाई कर तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 मार्जिन ओके तो मार्जिन द्वारा गोटे प्रिंट जहाँ प्रिंट होतिबा वर्कशीट को मॉडिफाई कर जाय परिबो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यू एक्सीडेंटली इरेज ए रिकॉर्ड इन द शीट which command can be used to restore it automatically तो एठारे कौन कहला जदि कौन सी रेकर्ड जहाँकि इरेज हो जाए माने जहाँकि कट हो जाए तो कहा मध्यम आम ताकू पुणी थे रिस्टोर कर तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 अंडो ओके तो अंडो मध्यम आम कट होता गोटे जिनिस को आउ थे रिस्टोर कर ओके आउ यार सर्टकट की हूँ कंट्रोल प्लस जेड ओके तो अंडर सर्टकट की हूँ कंट्रोल प्लस जेड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट एंड और एंड एक्सओ आर आर डैश तो नॉट एंड और एवं एक्सओ आर गोटे गोटे कौन तो यह अच्छे गोटे गोटे लॉजिकल ऑपरेटर ओके तो ऑप्शन 1 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू ऑटोमेट डैश तो एमएस एक्सेल कौन ऑटोमेट करिबा पाई यूज करे जाय तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 4 एनी ऑफ द एबव ओके तो एमएस एक्सेल जहाँकि ट्रांजैक्शन रजिस्टर इन्वेंटरी कंट्रोल तापर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस फोरकास्टिंग अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल तो ये सब पाई एमएस एक्सेल को यूज करा जाय परिबो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्कबुक तो करंट वर्कबुक रे गोटे न्यू सीट को एंटर कर सर्टकट की कोटा तो यार करेक्ट आंसर टी हो शिफ्ट प्लस F11 ओके तो शिफ्ट प्लस F11 सर्टकट के माध्यम आम गोटे न्यू सीट को एंटर कर ओके जहाँकि करंट वर्कबुक रे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो निम्नलिखित मध्यरु कोटा करेक्ट अटे तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव ओके कारण एठारे सब फॉर्मूला इक्वल टू रु स्टार्ट होइछ ओके तेणु एठारे सब ऑप्शन करेक्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the formula will Excel not be able to calculate तो क्यों फर्मूला को जहाँकि एक्सेल रे कैलकुलेट करा जाय परिबो नहीं तो ऑप्शन ए रे देछि इक्वल टू 10 + 50 तो यह को कैलकुलेट करा जाय परिबो ओके कारण एठारे फास्ट रे इक्वल टू चिन्ह लगी ओके तो बी रे मध्य इक्वल टू लगी तो यह को मध्य कैलकुलेट कर सी रे इक्वल टू लगी तो यह को कैलकुलेट कर किंतु डी रे जहाँकि यह दि जाए ना इक्वल टू चिन्ह दि जाए ना तेणु यह को एम एक्स एक्सेल रे कैलकुलेट कर ओके तेणु एठार ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू डैश तो ड्रैग एवं ड्रॉप मेथड टी कौन पाई यूज कर जाए तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 ओके ए एंड बी तो कॉपी सेल कंटेंट एवं मोप सेल कंटेंट तो कॉपी एवं मोप करबा पाई जहाँकि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टी यूज कर जाए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई यू वुड डैश तो डी एवं ई मध्य रे 3 टी कॉलम एंटर बा इंसर्ट करबा पाई कौन करबा तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 सिलेक्ट कॉलम ई एफ एंड जी ओके तो ई एफ एवं जी कॉलम को सिलेक्ट करी हमें तीनोटी कॉलम जहाँकि डी रु ई मध्य इंसर्ट कर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर इन एक्सेल विंडोज एलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला तो एक्सेल विंडो रे क्योंटा जहाँकि वैल्यू एवं फॉर्मूला को एंटर करने एलाउ करें वैल्यू एवं फॉर्मूला को आम एंटर कर तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 फॉर्मूला बार ओके तो फॉर्मूला बार रे आम फॉर्मूला एवं वैल्यू एंटर कर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन पावरफुल डैश तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गोटे पावरफुल कौन अटे तो यह गोटे स्प्रेडसीट पैकेज ओके तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है गोटे पावरफुल स्प्रेडसीट पैकेज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन डैश तेबे यार करेक्ट आंसर टी कौन हम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जानतु आउ वीडियोटी हेल्पफुल लगी निश्चय यहाँ गोटे लाइक कर दिंतु आउ चैनल को नुआ आसी एबे सब्सक्राइब कर दिंतु ओके धन्यवाद।